हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा टेच पे। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि पीएम किसान योजना का जो 13वीं किस्त आने वाला है वो कब तक आएगा और किन किन लोगों के खाते में पैसा नहीं आएगा, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके मोबाइल पे एक मैसेज आ रहा है, जिस मैसेज में बताया जा रहा है कि आपका जो है एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे अगर आधार रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि अगर आपके एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे आधार रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको आप कैसे रजिस्टर्ड करा पाइएगा और उसको कैसे चेक कर पाइए कि आपका एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे आधार रजिस्टर्ड है या नहीं है और आपका पेमेंट कब तक आ जाएगा, इन सारे चीजों के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सके। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैसेज जो है मोबाइल पे आया हुआ है, कृषि विभाग बिहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत आगामी 13वीं किस्त का भुगतान आधार एवं एनपीसीआई से लिंक बैंक खाते में किया जाना है। अतः आप अपने बैंक शाखा में संपर्क कर अपने बैंक खाते को 15 दिनों के भीतर आधार एवं एनपीसीआई से लिंक कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आप आगामी किस्त से वंचित रह जाएंगे। तो जैसे दोस्तों आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे कि बहुत से किसानों के खाते में जो है आधार जो है एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके चलते उनका पैसा जो है 13वीं किस्त रुक जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट जो भी पैसा भेजता है, जो भी सब्सिडी भेजता है वो डीबीटीएल के माध्यम से भेजता है। डीबीटीएल का मतलब दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा डायरेक्ट आपके खाते में आता है। तो उसके लिए आपको एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे आधार रजिस्टर्ड कराना होगा तभी आपके खाते में पैसा आ पाएगा। लेकिन बहुत से लोगों का एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे आधार अपडेट होगा लेकिन बहुत से लोगों का अपडेट नहीं भी होगा, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं खुद से? तो इसके लिए हम आपको फिर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इस पे आपको आ जाना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप इस लिंक पे क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद से आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अपने आधार लिंक बैंक खाते की जांच करें, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यूआईडीआई की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है। आप यहाँ पे जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो ये पोर्टल जो है आपको बता देगा कि आपका जो आधार है एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है या नहीं है और किस बैंक खाते से लिंक है, आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद से आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद से आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे डालने के बाद से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आधार नंबर दिख रहा है, उसके बाद से बैंक सीडिंग स्टेटस जो है एक्टिव दिख रहा है। अगर आपका यहाँ पे इनएक्टिव दिखेगा तो आपको एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे आधार एक्टिवेट कराना होगा। उसके बाद से आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बैंक सीडिंग डेट जो है 8/8/2017 को मेरे खाते में एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे आधार जुड़ा हुआ है, जो 8/8/2017 को जुड़ा हुआ है। बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिंकअप है, मेरा पीएम किसान का पैसा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही जाएगा। तो यहाँ से आप सभी चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे एक्टिव नहीं दिखाएगा, अगर इनएक्टिव दिखाएगा तो आपको एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे आधार अपडेट कराना होगा। तो दोस्तों बात आती है कि हम एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे आधार अपडेट कैसे कराएंगे। तो आप अपना जो खाता जहां पे भी जिस भी ब्रांच में खोले होंगे उस ब्रांच में आपको जाना है और वहां पे आपको एक एनपीसीआई प्लेटफॉर्म का फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर के आपको जमा करना होगा। आप अपने नजदीकी ब्रांच में जाएंगे तो आपको इसी तरह का एक फॉर्म मिलेगा जिस फॉर्म में आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी आपको लगाकर जमा करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डीबीटी बेनिफिट इनटू बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग, यहाँ पे एनपीसीआई मैपिंग सीधे लिखा हुआ है। इसी फॉर्म को आपको भर के वहां पे बैंक में जमा करना होगा। आप इस फॉर्म को जैसे ही भर के जमा कीजिएगा तो 2 से 3 दिनों के अंदर में आपके आधार नंबर को एनपीसीआई प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी और बैंक पासबुक का फोटो कॉपी
लगाकर आपको जमा करना होगा। तो अगर आपका यहाँ पे इनएक्टिव दिखाएगा तो आपको ये प्रोसेस करना है, अगर आपका यहाँ पे एक्टिव है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका पैसा जो है आपके खाते में आ जाएगा। अब बात आती है दोस्तों जो 13वीं किस्त पीएम किसान योजना का है वो कब तक आएगा, तो उसका डेट अभी ऑफिशियल कोई जारी नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि 31 जनवरी तक आपका जो पेमेंट है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इस तरह वीडियो लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सके।